देखते हैं कि मतलब मैट्रिक्स से आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है इतना, 2-2 और 4-3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स इनवर्स निकालने के लिए अब सबसे पहले क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो इसमें पहले कोफैक्टर निकालना होता है, तो कोफैक्टर आप निकालिएगा इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो ए 1-1 निकालिएगा तो क्या निकलेगा इसके रिस्पेक्ट में, ये 3 आएगा। ठीक है, और ये ए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या होता है, -1i + j होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड करना होता है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में है, तो इसके सामने वाला रो क्या लेगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम 2-2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोनों का जोड़ के क्या हो रहा है, यानी कि 1 और 1 का जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है। ठीक है, 2 आएगा तो -1 की पावर 2 रहेगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे 1 + 3 है 2 है, तो ये निगेटिव आएगा, -1 माइनस हो जाएगा। अब माइनस है तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 4, तो ये हो जाएगा 4-1। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे ए, अब यहाँ पे 1 सेकेंड रो मतलब अब क्या करेंगे, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसमें हो जाएगा माइनस पहले लग जाएगा। ठीक है, माइनस पहले और यहाँ पे हो जाएगा कितना, -2, यानी कि 2 आ गया। और इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, इसके रिस्पेक्ट में ये -2। ठीक है, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 होगा, 4 इवन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, कि यहाँ पे इसको हम बैठाएंगे इस तरीके से, 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे -4 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे यहाँ पे, और ये 2 लिखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से आया। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 यहाँ है तो 3 होगा, -4 यहाँ, और ये हो जाएगा 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना क्या होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 × 3 और माइनस में हो जाएगा क्या चीज, 4 × -2। तो इस तरीके से आप निकालिएगा तो -+ हो जाएगा, इसका मतलब ये 6 हो गया और ये हो गया आपका 8। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6, 8, 14। ठीक है, इस तरीके से इतना आ गया। अब आपको ए इनवर्स आपको पता करना है, तो ये होता है फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। तो इसका मतलब एडजॉइंट का वैल्यू कितना आएगा, एडजॉइंट का वैल्यू आ गया 3, 2, -4 और 2, इतना आ गया। अब बाय डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड करके, यानी 14। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया ए इनवर्स का मैट्रिक्स, अगर 2 × 2 रहेगा तब। ठीक है, अब फिर 3 × 3 रहेगा तब कैसे निकालेंगे, अगला देखते हैं, × 3 वाला। ठीक है, 3 × 3 वाला देखते हैं, कहे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इसको इनवर्स बनाना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, सारे को क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले a11 निकालेंगे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना करके और इन दोनों को गुना करके घटेगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम एडजॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम मैट्रिक्स बना लेंगे पहले, और इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस में हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये 0, तो -1 - -0 तो क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के छोड़ के अब इसमें आएंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ जहाँ ये है यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, इस तरीके से निगेटिव होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, कि इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4- में हो जाएगा 0, 4- इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4-0, यानी कि आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4-0 तो माइनस में हो जाएगा 4, यहाँ पे सेकंड में है इसलिए यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव -4। अब यहाँ पे देखिए इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे अब इस दोनों से घटाएंगे तो 4 × 8 माइनस में हो जाएगा और -+ में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा फिर से तो यहाँ पे 4 × 8 ठीक है 8- हो जाएगा 7 तो ये हो जाएगा कितना तो 1 आएगा। ठीक है इसके रिस्पेक्ट में प्लस में होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 की पावर क्या होता है i + j होता है तो इन दोनों को जोड़ेंगे ये फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम है इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है तो 1 की पावर यानी 3+1 हो रहा है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है अब यहाँ पे देखिए इसके जगह पे क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में रहेंगे
तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वन, और इस टू को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो सिक्स, तो वन माइनस सिक्स और इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा निगेटिव, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में सिक्स, ठीक है माइनस में हो जाएगा वन इंटू वन और एक टू थ्री या सिक्स, तो छह हो गया, तो छह माइनस में हो जाएगा ये पांच, ठीक है यहाँ पे हो गया माइनस में पांच, और ये माइनस में पांच हो रहा है ठीक है, और ये पहले से माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा इन दोनों से इसको इसको मल्टीप्लाई होगा टू और वन को मल्टीप्लाई, और ये सेवन और थ्री को मल्टीप्लाई, तो दो और एक को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा दो, ठीक है दो और प्लस में हो जाएगा सात या इक्कीस, माइनस में है माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा इक्कीस, ये हो गया तेईस। और इसके रिस्पेक्ट में है यहाँ पे टू क्रॉस टू है, इसका मतलब ये दो नंबर पे है, ठीक है रो भी टू और कॉलम भी टू, इसलिए यहाँ पे तेईस होगा, तो यहाँ पे हो गया ट्वेंटी थ्री। अब यहाँ पे देखिए इसके जीरो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दो दुना चार हो जाएगा, दो दुना चार, ठीक है दो दुना चार आइए माइनस 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 हो जाएगा सात गुने एक, तो ये सात माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सात और चार ग्यारह, ठीक है तो ये कितना कौन सी जगह पे है निगेटिव की जगह पे है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है माइनस लग गया क्योंकि यहाँ पे थर्ड रो और थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम रो है, इसलिए यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस में ग्यारह। अब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में हो गया तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दो और एक, एक और एक को गुना करेंगे, ठीक है इसको एक और एक को गुना करेंगे तो ये हो गया कितना एक, और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जीरो माइनस में छह, तो ये हो जाएगा एक माइनस छह, ठीक है इसको नहीं इसको जीरो को एक से गुना करते जीरो हो जाएगा, और इसको माइनस एक को तीन से गुना करते माइनस में हो जाएगा तीन, तो माइनस माइनस तीन यानी कि हो जाएगा प्लस में तीन। इसके सात के रिस्पेक्ट में किए हैं तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो इसके पीछे क्या होगा माइनस, ठीक है क्योंकि यहाँ पे इनसे मल्टीप्लाई किए हैं तो जीरो आ गया, और इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तीन, और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है क्योंकि नहीं प्लस में होगा, ठीक है प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पे जो होता है माइनस में सात, ठीक है इसके रिस्पेक्ट में नहीं होता है, इसके रिस्पेक्ट में निगेटिव होता है, ठीक है। अब फिर से इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट होगा, तो जीरो से दो को गुना करते जीरो आएगा, और ये चार को तीन से गुना करते माइनस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा बारह, और इसके पीछे माइनस माइनस लगेगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस में बारह, ठीक है। अब ये इसके बाद इसके रिस्पेक्ट में वन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस में दो गुने एक, ठीक है दो गुने माइनस में वन, ठीक है और माइनस में हो जाएगा चार गुने एक, तो ये हो जाएगा चार, तो ये हो गया कितना चार और दो छह, माइनस में हो गया छह। इसके वन के रिस्पेक्ट में किए हैं, अब इस तरीके से देखिए यहाँ पे तीन जो हो गया अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे बारह जो हो गया यहाँ पे होगा, और ये माइनस छह जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज क्या निकल जाता है, यहाँ पे माइनस एक है तो एक, और ये चार माइनस में नीचे हो जाएगा, और ये एक नीचे होगा, ये पांच यहाँ पे हो जाएगा, तीन यहाँ पे हो जाएगा, तीन यहाँ पे होगा, तेईस हो गया नीचे में, और ये माइनस ग्यारह यहाँ पे हो जाएगा, और ये तीन यहाँ पे हो गया तो बारह होगा यहाँ पे, और माइनस छह होगा यहाँ पे। इस तरह से ये एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकला है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकला है तो अब यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालिएगा तो इसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो ये दो गुने माइनस एक, ठीक है माइनस एक और जीरो, तो दो गुने माइनस एक अब कितना हो जाएगा जीरो। अब फिर माइनस के वन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वन इंटू वन के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा चार गुने माइनस में जीरो, तो चार वन के रिस्पेक्ट में चार माइनस जीरो, ठीक है क्योंकि यहाँ पे इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे चार को, तो ये चार हो जाएगा माइनस में जीरो, और ये प्लस में इसके रिस्पेक्ट में यानी कि थ्री के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थ्री के रिस्पेक्ट में ये वन टू इंटू फोर टू या एट यहाँ पे माइनस में प्लस में सात, तो यहाँ पे चार गुना आठ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में माइनस में आठ सात होगा। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू पार्ट देखिएगा यानी कि आ जाएगा आपका चार दुना माइनस में दो, और ये हो जाएगा माइनस में चार, और ये हो जाएगा प्लस में तीन। तो इस तरीके से निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा चार दो छह प्लस में तीन, तो माइनस में तीन आ गया, ठीक है। डिटरमिनेंट का वैल्यू आप क्या करेंगे हम कि ए का वैल्यू यानी कि माइनस थ्री। अब आपको निकालना क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स आपको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए,
इस तरीके से आप इसमें क्या करेंगे, माइनस में 1/3 करेंगे और ये डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स का वैल्यू ये ज्वाइंट यहाँ पे लिखेंगे 5, 3 माइनस में 4, 23, 12, 1 माइनस 11 और ये माइनस में 6। तो इस तरीके से आप 3×3 भी जाएगा तो आप इस तरीके से क्या करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। ठीक है, और ऐसा ही कंटिन्यू अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिखा दीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा। ठीक है, कहना चाहूंगा अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगता है, कमेंट भी किया कीजिए, मैं उस हिसाब से अगला वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों का भी बेनिफिशियल होगा।